एक सर्प ने बताया कि ये 6 चीजें गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर विनाश कर देती हैं। दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं एक घने जंगल के बीच, जहां पेड़ों की शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी और नदी की लहरें संगीत सी बजती रहती थी, वहीं एक पुरानी चीड़ के पेड़ की जड़ों के पास एक सर्प और उसकी सर्पिणी आराम से रहते थे। शाम का समय था और जंगल में शांति फैली हुई थी। सर्पिणी कुछ चिंतित सी लग रही थी और सर्प ने उसकी चिंता को महसूस किया। सर्पिणी ने सर्प की ओर मुड़ते हुए कहा, आज मन बहुत विचलित है, मुझे कुछ ज्ञान की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्या तुम मुझे कोई कहानी सुना सकते हो? सर्प ने उसकी आंखों में देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें जीवन के गहरे रहस्य छिपे होंगे। सर्पिणी ने उत्सुकता से कहा, कौन सी कहानी? सर्प ने धीरे धीरे अपनी फुफकार को नियंत्रित करते हुए कहा, यह कहानी उन 6 चीजों की है जिन्हें अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो विनाश निश्चित है। सर्पिणी ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और ध्यान से सुनने लगी। सर्प इधर कहानी शुरू करता है और कहता है कि हे प्रिय, अब तुम ध्यान से सुनो, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गोधन नाम का व्यापारी रहता था। उसके परिवार में एक उसकी बहुत सुंदर प्रिय पत्नी थी। एक दिन वो व्यापारी उसकी पत्नी व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर में जाते हैं। दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वो दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी धन था वो सब लूट लिया। इस तरह व्यापारी और उसकी पत्नी को डाकुओं ने लूट कर कंगाल कर दिया। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला जाता है। मित्रों, डाकू तो चले गए लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी लूटने के बाद दोनों बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर था और अनजान शहर में कहां जाएं, किनसे कहें, वहां कोई ठिकाना भी नहीं था, कोई आश्रय भी नहीं था। क्योंकि कहते हैं मित्रों, अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है और पैसा अब उनके पास नहीं था। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं करूंगा क्या। वो इसी चिंता में चला ही जा रहा था। चलते चलते उसे एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। सोचा कि मुझे इस कुटिया पर कुछ मदद, कुछ आश्रय जरूर मिल सकता है, इसलिए वो व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल देता है। जब वो कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा जी मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर व्यापारी सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बता दूं, शायद मेरी समस्या का कुछ समाधान करते। ऐसा विचार करके वो उन साधु महात्मा के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने व्यापारी की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस व्यापारी पर दया आ जाती है। साधु ने उस व्यापारी को अपने परिचित एक सेठ जी के पास शहर में भेज दिया और उस व्यापारी को पता बता दिया। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच जाता है और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, बस मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ तो नहीं है, मेरे पास बस मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर जाऊंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। जब तक मैं आपके पैसे ना लौटा दूं तब तक मेरी पत्नी आपके
दिए हुए पैसों के बदले में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस व्यापारी की बात सुनी तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। व्यापारी सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे चला जाता है। व्यापारी ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। उसका व्यापार खूब अच्छे से चलने लगा। वो अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। वो सस्ते दामों में किसानों से अनाजों को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार गोधन ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब गोधन ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर से गोधन उसी नगर में वापस लौट कर आता है, जिस नगर में वो अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। नगर में आकर वो सीधा उस सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रख कर गया था। अब मैं आपके पैसे लौटाकर अपनी पत्नी को लेने आया हूं। आप अपना हिसाब करके आप मुझसे अपने रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। मित्रों, ये सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है, तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाकर उसे दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। गोधन ने जब उस सेठ के मुंह से ये बात सुनी तो ये सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो हो चुका है, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता, पर होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्जा चुका दिया है और मैंने आपका कर्जा चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। मित्रों, गोधन की बात सुनकर वो सेठ बोला, नहीं भाई नहीं, अब मैं तुझसे वो पैसे कैसे ले सकता हूं, जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। गोधन ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। अब तो बड़े उदास भाव से गोधन सेठ के घर से जाने लगा। चलते चलते व्यापारी रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वो उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह महात्मा अपने चबूते पर बैठे अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। व्यापारी भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब गोधन को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। व्यापारी ने पूरा घटनाक्रम उन महात्मा जी को बताया। वो एक साधु सिद्ध महात्मा थे। व्यापारी की बात सुनकर उन महात्मा ने कहा, नहीं भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी मरी नहीं है, वो अभी जीवित है। तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और बड़ा ही धर्मात्मा। वो निश्चित ही तेरी पत्नी को सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा, उसके दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। जब व्यापारी ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो व्यापारी उस महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल देता है। कुछ समय बाद राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दो। महाराज, मैंने सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब मैं सेठ का वो धन लेकर अपनी पत्नी को सेठ से वापस लेने गया तो वो सेठ कहता है कि मेरी पत्नी का 3 महीने पहले देहांत हो चुका है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो सेठ झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैंने मजबूरी बस उसे सेठ के पास गिरवी रखा था। मुझे क्या पता था कि उसे देखकर सेठ की नीयत खराब हो जाएगी। महाराज, मेरी स्त्री सेठ से वापस दिलवा दीजिए। गोधन की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये व्यापारी कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था?
सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हां राजन, व्यापारी ये बात बिल्कुल सच कह रहा है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो? राजा की बात सुनकर वो सेठ बोला, महाराज मैं कैसे लौटा दूं? मैंने इस आदमी को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, हां महाराज मैं इस बात की पुष्टि अच्छी तरह से कर दूंगा। मेरे पास कई गवाह हैं। गवाह के रूप में एक वैद्य है जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था, और वो 4 व्यक्ति भी हैं इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में ले जाकर दफना कर आए थे। मित्रों, सेठ ने उन लोगों के द्वारा राजा के दरबार में झूठी गवाही दिलवा दी। जब बात राजा के सामने उसने इतने आत्मविश्वास के साथ रखी कि राजा को भी उसकी बातों पर भरोसा हो गया। तब राजा ने व्यापारी से कहा, भाई अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। सेठ की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। इस प्रकार राजा ने व्यापारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब तो निराश होकर व्यापारी फिर से उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और राजा के दरबार में जो भी बातचीत होती है वो सारी बातें उसने महात्मा जी को साफ साफ बता दी। व्यापारी की बात सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया, ये गलत है। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए राजा मुझे अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। महात्मा जी के समझाने पर व्यापारी एक बार फिर से राजा के दरबार में जाता है, और जैसा जैसा उस साधु ने कहा था उसने राजा से वो सब कह दिया। व्यापारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, अगर मेरे न्याय पर संदेह है तो जाओ अपने गुरु से कह देना कि मैं 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं, उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। व्यापारी ने जब राजा की ये वचन साधु महात्मा से कहे तो साधु महात्मा को राज दरबार में बुलाकर ले आया। साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन महात्मा जी को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा जी ने उस सेठ को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया और उससे कहा कि सेठ जी, आपने कहा कि इस व्यापारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई है, और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं, क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए जाते हैं। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वो साधु कहता है, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम व्यापारी की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर पर जाते थे या फिर सेठ व्यापारी की पत्नी का इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास लाता था? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वो वैद्य राजा से बोला, महाराज सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे, व्यापारी की पत्नी को साथ नहीं लाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि सेठ वो दवा व्यापारी की पत्नी के लिए ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वो वैद्य कहता है, हां महाराज ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाता था, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य जी की बातें सुनकर वो साधु कहते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीजों को बिना देखे ही दवाइयां देते हो, यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। उस साधु की ये बातें सुनकर वैद्य का चेहरा
डर के मारे पीला पड़ जाता है और वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं नहीं राजन, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा? इस तरह से तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वो साधु महात्मा कहते हैं, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाने का आदेश देता हूं। अब तुम सोच लो, तुम सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊं। मित्रों, यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वो उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। आज सेठ ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु ने कहा, वैद्य जी कुछ भी हो जाए, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। इस प्रकार महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने ठीक से पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने शुरू कर दिए। मित्रों, पहला कोड़ा लगते ही वो जोर जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से एक चीख निकलती थी। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने व्यापारी की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। अब बारी उन चारों गवाहों की थी। साधु ने उनसे पूछा, क्यों भाई तुम लोगों का क्या कहना है कि क्या तुम चारों ने इस व्यापारी की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे? मुझे ये बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? मित्रों, यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली, उसके बाद ही हम उसे शमशान में लेके गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वो साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और उसे तुम बिना सोचे बेचारे बिना देखभाल किए ही शमशान में ले जाकर दफना आए हो? यह तो एक और भी दंडनीय अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की भी सजा दी जा सकती है। वो चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो यह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। उसके बाद साधु ने सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है, अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और उसे हड़पना कहां तक सही है? इस अपराध के लिए तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो तो तुम्हारी सजा कुछ कम हो सकती है। मित्रों, सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर पर भेज दिया और सेवकों को घर भेजकर उस व्यापारी की पत्नी को दरबार में बुला लिया। साधु ने सेठ से लेकर व्यापारी को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 साल की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने व्यापारी की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। मित्रों, इधर सर्प कहता है, हे प्रिय, साधु का ऐसा न्याय देखकर राजा भी हैरान रह जाता है।
राजा साधु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा जी आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है, आपने मुझे पाप में पड़ने से बचा दिया। मित्रों उसके बाद साधु ने उस व्यापारी से कहा, हे व्यापारी तुमसे जो हो गया वो हो गया, मुश्किल वक्त में आकर तुमने अपनी पत्नी को इस सेठ के यहां गिरवी रखने की भूल की, भविष्य में कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कहते हैं धन संपत्ति स्त्री ये दूसरे के हाथ में पड़ने पर वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर लेती है और वो बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वो वचन देता है कि मैं तेरी सुख दुख में आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी की सेवा करे। दूसरा स्थान है अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा, इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ खड़े होना चाहिए, ऐसे समय में उसको कभी अकेला ना छोड़ें। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तीसरा स्थान है कि कभी भी भूलकर अपनी स्त्री को पराये पुरुषों के बीच अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुषों के साथ अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर बैठे। साधु महात्मा की बात सुनकर व्यापारी और राजा को भी समझ में आ गया कि साधु ठीक कहते हैं। इधर सर्प अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय मनुष्य को जीवन में कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका सही उपयोग करना जरूरी है, अन्यथा उनका दुरुपयोग विनाश का कारण बन जाता है। आइए उन चीजों का विस्तार से वर्णन करूं। पहली चीज है धन। धन जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसका लालच या अनैतिक तरीके से कमाया गया धन विनाश का कारण बन सकता है। धन का उपयोग केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए, दान और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन न केवल आपके व्यक्तित्व को भ्रष्ट करता है बल्कि समाज में अशांति और असमानता भी फैलाता है, इसलिए धन को सही तरीके से अर्जित करना और उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से धन कमाता है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और अंत में उसका जीवन तनावपूर्ण और असंतोषपूर्ण बन जाता है, जैसे कि उस वैद्य ने किया, उसने अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाया। मित्रों सर्प कहता है कि दूसरी चीज है शक्ति और सत्ता। शक्ति और सत्ता का सही उपयोग समाज की भलाई और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वो अत्याचारी अन्यायकारी और अहंकारी बन जाता है, यह उसके पतन का कारण बन सकता है। एक नेता या शासक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग समाज के विकास न्याय और शांति के लिए करे, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। उदाहरण के लिए अगर कोई नेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार फैलाता है या अपनी शक्ति के बल पर दूसरों को दबाता है तो अंत में उसकी सत्ता का पतन निश्चित है। नंबर 3 ज्ञान। ज्ञान एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है जो समाज और व्यक्ति दोनों को उन्नति की ओर ले जाता है, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग समाज में भ्रम अशांति और हिंसा को जन्म दे सकता है। सही ज्ञान का उपयोग समाज के लिए कल्याणकारी होता है। वैज्ञानिक खोजों और व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाना चाहिए। गलत जानकारी फैलाना या ज्ञान का इस्तेमाल अनुचित उद्देश्यों के लिए करना विनाशकारी साबित होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अगर अपने ज्ञान का उपयोग गलत प्रचार या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया है
तो इससे समाज में विभाजन और हिंसा हो सकती है। नंबर चार, इंद्रियों का भोग। इंद्रियों का भोग या कामना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसका अनियंत्रित और अनैतिक उपयोग व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। इंद्रियों पर संयम रखकर उन्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अनैतिक या अवैध संबंध भोग विलासिता की हद तक बढ़ाना या अति कामुकता में लिप्त रहना अंततः व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन को नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति वासना या लालच में पड़कर अपने रिश्तों या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो उसका जीवन तनाव और दुखों से भर जाता है। नंबर पांच है प्रकृति। प्रकृति का शोषण आज के युग की एक प्रमुख समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब हम उसके संसाधनों का अनुचित दोहन करते हैं तो इसका परिणाम पर्यावरणीय असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आता है। हमें जल, वायु और पेड़ों का संरक्षण करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पृथ्वी छोड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है तो इससे पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा उत्पन्न होते हैं, जो मानव जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नंबर छह है समय। समय एक अनमोल संपत्ति है जिसे नष्ट करना व्यक्ति के जीवन में असफलता का कारण बनता है। आलस, असंगठित दिनचर्या और समय का सही उपयोग ना करना आपको आपके लक्ष्यों से दूर कर देता है। समय का सदुपयोग आपको सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय का सदुपयोग नहीं करता है और उसे व्यर्थ के कार्यों में लगाता है तो परीक्षा में उसे असफलता मिलेगी। तो दर्शक बंधु, इस कहानी का यही निष्कर्ष है कि इन सभी चीजों का संतुलित और नैतिक उपयोग व्यक्ति के जीवन को सुखी, समृद्ध और उन्नत बनाता है। इनका दुरुपयोग न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि पूरे समाज को नष्ट कर सकता है। जीवन में संयम, नैतिकता और सदुपयोग ही वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। तो मित्रों, इस प्रकार से उस सर्प ने अपनी सर्पणी की ये कहानी सुनाई और ज्ञान की ये छह बातें बताई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।